भक्त जब मुसीबत में फंसते हैं या परेशान होते हैं तो प्रभु परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा सभी भक्तों की सुनते हैं और उनकी लाज रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, हर भक्त की बात को मानते हैं। लेकिन कभी कभी भक्त चतुराई भी खेलते हैं, कभी कभी भक्त सौदेबाजी भी करते हैं। ये पूरा प्रसंग मैं आज आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। एक नाविक तेज आंधी तूफान में फंस जाता और बहुत ज्यादा परेशान होकर वो प्रभु परमपिता परमात्मा को याद करता है और पुकारने लगता है कि हे प्रभु मेरी मदद करो, हे प्रभु मुझको बचाओ, और जब आप मुझको बचा लोगे तो मैं आपके प्रसाद में 10 किलो लड्डू बांटूंगा। कितने? 10 किलो लड्डू बांटूंगा। धीमे धीमे तूफान थम जाता है, वो तूफान का रुख थम जाता है, भमरे बंद हो जाती हैं और वो अपनी नाव को अब धीमे 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 किनारे की तरफ ले जा रहा है। अब उसकी नाव पार जा रही है। अब उससे किनारा 10 या 15 फुट दूर ही रह गया था तो वो चतुराइयों को पेश उसके मन में दोबारा से वही भाव। अब व्यक्ति कह रहा है, काहे के लड्डू, कैसे लड्डू, क्योंकि अब तो उसकी नाव पार हो गई। जो उसने प्रभु से वादा किया था कि मैं प्रसाद में 10 किलो लड्डू बांटूंगा, अब वही व्यक्ति कह रहा है, काहे के लड्डू, कैसे लड्डू। अब दोबारा फिर वही तूफान आया और फिर दोबारा से उसकी नाव उसी भंवर में पहुंच गई जहां से वो निकल करके आई थी। अब फिर भंवर पड़ रही है, उसकी नाव घूम रही है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं डूब जाऊंगा। अब वो व्यक्ति कहने लगा, अरे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, मैं तो पूछ रहा था आपसे कि काहे के लड्डू, कैसे लड्डू, बूंदी के या ग्वार पाठा के या मुठिया के लड्डू, आखिर आप कैसे लड्डू पसंद करोगे। मैं तो ये पूछ रहा था, आप तो मेरे से खामा खा नाराज हो गए, पर चलो कोई नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझको क्षमा कर दो, अब मेरी नाव आप पार कर दो, मैं 10 नहीं 15 किलो बांटूंगा। आप जान गए कि कैसे एक भक्त चतुराई करता है, परमात्मा के साथ सौदेबाजी करता है कि एक बेटा हो जाए सत्संग कराऊंगा, एक कोठी बन जाए लंगर लगवाऊंगा, और ये तो पूरी तरीके से एक सौदेबाजी है। वास्तविक भक्ति तो प्रभु को पाना है। जब हम परमपिता परमात्मा को ही पा लेते हैं तो सारी मुसीबतों से, सारे दुख दर्द से हम निजात पा लेते हैं। हमें परमपिता परमात्मा हर जगह पर आकर हमारी मदद करता है और हम परमात्मा से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बस जरूरत है निस्वार्थ समर्पित होके भक्ति करने की, बस प्रभु के आगे हो जाएं। इसके आगे हो जाने में ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु हमारे हो सकते हैं। जरूरत है हम भी प्रभु के हो जाएं। नमस्कार।